अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जा रही हूँ बाज़ार और मेरे साथ जा रही है मेरी फ्रेंड तहूरा। तो तहूरा जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम बचपन से साथ ही में बड़े हुए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मेरी फ्रेंड है, वो मेरे घर के पास ही रहती है और हमारा मिलना इसलिए अब ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बिज़ी होती है, जॉब वगैरह जाती है, तो इस वजह से। पर उसको टाइम मिला था तो वो बोली कि चल अपन शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ उसे चीज़ें लेना था, तो इस वजह से मैं और वो गए और बस हम यहाँ निकले। और मैं ज़्यादा शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि होता है बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड वगैरह साथ में होते हैं। बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी, तो होते हैं साथ में तो ज़्यादा ध्यान नहीं होता है कोई भी चीज़ों में, इतनी बातों में मशगूल होते हैं। और बहुत दिन बाद भी हम लोग मिलते हैं क्योंकि पहले भी तो मिल जाते थे ज़्यादा, पर अब जो है उसे टाइम नहीं मिलता है क्योंकि वो जाती है जॉब पे, इस वजह से उसे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग की ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती है। तो उसे कुछ लेना था चीज़ें, वो लेने का था और मैं मुझे बोली चलो साथ में चलते हैं। और बहुत दिन से कहीं गए भी नहीं साथ में, तो इस वजह से मैं और वो गए थे। और दोपहर में निकले थे कुछ 3:30 बजे क्योंकि घर पे जल्दी आना था, 5 बजे से पहले इसलिए आना था क्योंकि नमाज़ वगैरह होती है ना इस वजह से। और इतने दिन से जो था बाज़ार जाना, तो मेरी मामी का घर इधर करीब ही है, हमेशा बताती हूँ कि बाज़ार में ही मेरी मामी का घर है तो वहाँ चले जाना होता है। पर तहूरा साथ में थी तो नहीं जाना हो पाया। हम लोग सोचे कि डायरेक्ट हम जल्दी घर पे आ जाएंगे, पर हो गया टाइम, लग गया टाइम और यहाँ पे हम बस पहुँच गए हैं बाज़ार और ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और बस यही था ये मतलब व्लॉग इस बार, मतलब इस थोड़ा सा व्लॉग इस बारे में था कि हम गए तो शॉपिंग और इतने दिन से मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घर में जो भी काम है वो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के रिलेटेड ही मैं आपको वीडियो दूँ, जब तक शादी ना हो जाती मैं अपनी रूटीन वगैरह कम दिखाऊँ शादी के रिलेटेड। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर व्लॉग में आपसे शेयर करूँ कुछ ना कुछ शादी के रिलेटेड बातें, तो ये व्लॉग में भी आपको मिलेगी। और बहुत ही जल्द अब मेरी जो कज़िन है उसकी शादी है 1 अक्टूबर में, तो बहुत जल्दी अब करीब आ गए हैं वो दिन। यहाँ पे मैं आपको एक गाउन दिखा रही थी पर ना जूम करके दिखा रही थी, पर लोग इतने थे ना तो दिख ही नहीं पा रहा था, तो फिर जूम करके मैं आपको दिखा रही। बहुत ही खूबसूरत गाउन था पिंक कलर का और ड्रेसेस भी यहाँ पे बहुत अच्छे लगाए थे शोरूम में। शोरूम ही है ये, छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा शोरूम है ये। तो इस तरीके से आज का दिन गया था, उस दिन का दिन गया था। हालांकि बहुत टाइम हो गया है वीडियो डाल के, ये वीडियो बना के बहुत टाइम हो गया है और अब अपलोड कर रही हूँ मैं। और कुछ हैंडबैग्स वगैरह भी लेना था, वो लेना था पर ज़्यादा पसंद नहीं आई। और झाड़े भी, यहाँ झाड़ों का भी वो अंकल लेके घूम रहे थे पर झाड़ लेना ही नहीं है अब क्योंकि अच्छे खासे झाड़ हो गए हैं, तो झाड़ नहीं ली हूँ मैं। मुझे झाड़ों का बहुत शौक है, बहुत शौक है। तो ऐसे हमारे दिन जा रहे हैं, अब तैयारी करना। अब तो जैसे कि मेरे भाई की शादी हो जाएंगी, उसके बाद तो फिर बहुत ही बिजी रहेंगे क्योंकि इनविटेशन कार्ड भी बनाने दिए हैं और उसके बाद सबको इनवाइट करने जाना रहेगा। उसके बाद बहुत बिजी, कपड़े वगैरह सिलना है, अभी तक मेरे एक भी कपड़े नहीं सिले हैं, सब बाकी है मेरे कपड़े सिलना। और ये था कि जो मेरा भाई है मुस्लिम भाई जिसकी शादी है अभी 1 अक्टूबर में, तो उसके ड्रेस वगैरह तो मैं पहले ही सिल के रखी थी, तो फिर वही पहनूंगी। सिल के रखी थी पर अभी तक पहनी नहीं थी, रेडी करके रख दी थी, तो अच्छा है कि वो सिला हुआ है तो वो मैं पहन लूँगी। और अभी जो मेरी बहन की शादी है 1 नवंबर में, तो उसमें मुझे सिलाना है, तो कुछ भी मेरे कपड़े सिले नहीं है। और जो हम जो टेलर से सिलाते हैं वो टेलर अंकल दूसरे की शादी के कपड़े सिल रहे हैं, तो बहुत बिजी है, वो बोले 1 अक्टूबर में उनकी शादी हो जाएंगी 11 अक्टूबर तक,
उनकी शादी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं आप ही लोग के कपड़े सिलूँगा, इसलिए वजह से भी हम लोग थोड़े चुप है कि उनका हो जाए, क्योंकि उनके घर पे भी शादी है, उनका हो जाएगा तो अच्छा है, फिर हमारा आराम से सिलते रहेंगे। मेरी मेरी बहन का मम्मी का सबका कपड़ा बाकी है सिलना, तो वही से हालांकि मेरी बहन का जो है देते जा रहे हैं, एक दो करके फिर भी दिए हैं, और वो लेके गए अंकल ने, बोले एक दो मुझे दो, मैं सिल के देता हूँ। फिर उसके बाद असर का टाइम हो गया था, फिर ये जो मेरी तहूरा है उसकी जो बहन है कज़िन, तो उनका घर रास्ते में पड़ गया, तो वहाँ पे हम लोग रुके और नमाज़ वगैरह अदा हुई। हालांकि मैं ये ज़्यादा बातें शेयर नहीं करती, पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ नमाज़ के बारे में, क्योंकि आप भी अगर बाज़ार वगैरह जाते हो टाइम निकालो नमाज़ पढ़ने के लिए। अगर कहीं घर नहीं है आपकी पहचान में तो आप दुकानों में भी पढ़ सकते हैं नमाज़। तो यहाँ पे वही शूज़ ली थी उसने, और हुआ ये कि उसको एक और शॉप मिल गई जहाँ पे जो शूज़ था उसको दूसरा मतलब मिल गया। तो फिर उसके बाद उसने बोली मैं एक्सचेंज करा देती हूँ इसको, तो फिर मैंने बोली मैं ले लेती हूँ, तू मत एक्सचेंज करा। तो फिर वो शूज़ जो है ये मैंने ले ली हूँ, और यहाँ पे ना वो मौसी आए थे, कपड़े वाली मौसी मेरे घर पे आई, तो घर पे आई मैं मगरिब की अजान से पहले, तो ये आंटी लोग बैठे थे घर पे मतलब कपड़ा दिखाते बैठे थे, तो और देखो ये शूज़ है जो मैं ले ली हूँ। तो फिर उसके बाद शाम से घर पे जल्दी आ गई थी घर पे, तो फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाई, चावल सालन रोटी बनाने का था, और क्लीनिंग वगैरह करी, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाई और रोटी भी बनाई, और बस यही ऐसा दिन गया आज का मेरा, और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एक और बाउल ली, जो कि मैं इसमें का मेरे पास ब्लू वाला बाउल है, बड़े मतलब पूरा सेट है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैं सोची थी मैं एक और लूँगी, और मुझे ऐसा लग रहा था लॉकडाउन में वो मिल रहा था, मतलब लॉकडाउन में एक बार मैं बाज़ार गई थी तो वो मिल गया मुझे, पर मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि अब मिलेगा, पर मैं बहुत ढूंढी उसको, इतने बार हम लोग बाज़ार गए तभी भी मैं ढूंढी, पर एक ही बार मैं गए थे ना उधर जहाँ पे ये मिलता, वहाँ एक ही बार गए तो वहाँ पे था, पर अंकल बोले कि आप कल आना तो आपको मैं, कलर था मतलब था वो, पर कलर अच्छा नहीं था, तो वो बोले कि कल मैं ला के दूँगा, पर दोबारा जाना ही नहीं। फिर मैंने अब गई तो मैं देखी कि यहाँ पे ये मिल रहा है, तो मैं ये ले ही लेती हूँ, और फाइनली मैंने ये ले ही ली हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट हो चुका है, इसमें बहुत से मेरे काम हो जाते हैं, और बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत मेरे काम हो जाते हैं इससे। और यहाँ पे अब मैं रोटी बना रही हूँ, और फिर इसके बाद होता है मेरा दिन ख़त्म। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ शेयर करूँगी जो कि मैंने अलग से शेयर करके रखी थी, यहाँ मेरा ये दिन कंप्लीट हो जाता है, ये सालन वगैरह बना के मेरा दिन कंप्लीट हो जाता है, और फिर यहाँ पे जो मेरी बहन है वो कलर करके दे रही है, जो मेरी भाई के बच्चे लोग हैं उनके स्कूल में देना था तो उनको कलर करके दे रही थी, और फिर उसके बाद होता है ये वाला दिन जो कि उसके पहले का वीडियो है ये, तो ये वाला जो दिन है उसमें पैकिंग हो रही थी। किसकी पैकिंग है? ये मेरे भाई की जो शादी है ना, तो उसकी पैकिंग है, तो ये सब पैकिंग वगैरह कर रहे थे, मेरी बहन ही कर रही थी, ड्रेस वगैरह पैकिंग करना, और सब मतलब जो दुल्हन के लिए है उसके लिए सेट वगैरह लिए, सब देख भी रही थी मैं और आपको दिखा भी रही थी, और कैसे लगा ये सब बताना ज़रूर, ड्रेसेस वगैरह सब मेरी बहन पैक कर रही थी, और बहुत अच्छा लगा, ये ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये जो है ये वाला दिन था वो जिसमें हम पैकिंग कर रहे थे, मेरी भाभी होने वाली भाभी की शॉप मतलब जो ड्रेसेस वगैरह वो पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि अब तो वक्त उसका और बहुत ज़्यादा करीब आ गया, मेरे भाई की शादी का कब वक्त बहुत जल्दी आ गया है, जल्दी नहीं आ गया टाइम, अब आ ही गया है, अब तो आज तो 5 तारीख है, अब तो 15 दिन ही बचे हैं, और 12 रबीउल भी आने वाला है, 12 रबीउल है कुछ 19 को है, और नहीं 19 को नहीं है, हाँ 19 को है, 19 को बराबर 19 को 12 रबीउल है, देखो अब कैसा हुआ, कैसा करेंगे क्या करेंगे,
और ये सब ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला जो ड्रेस था वो मेरी बड़ी अम्मी का है और बहुत खूबसूरत है, कपड़ा भी बहुत अच्छा था और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ मेरी बहन जो है पैकिंग कर रही है, और यहाँ पे हम लोग पैकिंग कर रहे हैं ना, तो फिर हम लोग ने भी सोचे कि वो बैग हटा के ना ये ऐसे ही पैकिंग करते, जैसे ये जो है ना ऐसे ही पैकिंग करते, तो फिर वो बैग हटा के हम लोग ने भी ऐसे ही पैकिंग कर दिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एक्चुअल में ये सोचे थे हम लोग कि ऐसे दो पैर का रखेंगे, पर दो पैर नहीं हो पा रहा है, उसमें एक ही ड्रेस आ रहा है, तो इस वजह से फिर हमने ये भी सोचे कि वैसा हटा के इसको सिंगल मतलब ऐसा कर देते हैं, एक एक ड्रेस को पैक करते हैं, उसको ही अच्छे से सजा दे। और अंदर थर्माकोल वगैरह जो है डेकोरेटिव अंदर के लिए नहीं ऐड कर रहे हमने, क्योंकि उससे रखे रखे ना कलर छूट जाते हैं, ड्रेसों पे कलर लग जाते हैं, और फिर खोलते हैं ना उसको ड्रेस निकालने के लिए तो फिर कचरा कचरा हो जाता घर में, तो फिर इस वजह से नहीं निकाल नहीं ऐड कर रहे, और मैंने ना कलर छूट जाता है। और ये जो रिबिन है इस तरीके से, ये जो रिबिन है जो गिफ्ट वगैरह पे पैक होती मतलब डेकोर करते हैं, तो उस तरीके से रिबिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और जिस पे नाम लिखने का है, जैसे जिसको देने का है उस पे नाम लिखने का, तो स्टिकर जो है जैसे स्कूल के बुक्सों पे जैसे नेम पे नेम के लिए जो स्टिकर होते हैं वो स्टिकर हम लोग इस पे लगा रहे हैं ताकि और अच्छा लगे। ऐसा चिट्ठी में नहीं लिख रहे हैं, वो स्टिकर होता है ना, स्टिकर होता है जैसे कि नेम उस पर लिखते स्कूल की बुकों पे, तो वैसे स्टिकर जो है उस पर लगा रहे, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब मेरी बहन ने ही पैकिंग वगैरह करी है और मैं इसकी हेल्प कर रही थी, सेलो टेप काट काट के इसको दे रही थी, और काफ़ी अच्छा मम्मी और तहसीन मेरी बहन जो है दोनों भी मिल के कर रहे थे, और मैं हेल्प कर रही थी सेलो टेप काट काट के दे रही थी, और साथ ही में शूटिंग भी कर रही थी। और ये सब वक्त है ना, ये सब वक्त जो होता है ना बहुत स्पेशल वक्त होता है, ताकि आप आगे अपनी वीडियो जो पुरानी वीडियो है तब देखोगे तब ऐसे लगेगा क्या दिन थे वो, क्या मतलब व्लॉगिंग करना तो चलो आप लोग को दिखाना भी है, पर खुद के लिए भी बहुत स्पेशल वाला मोमेंट जो है आप कैप्चर कर लेते हो और आपके लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है। और ऐसे फ़ोटो वगैरह क्लिक करो एक टाइम पे फ़ोन पे से भी डिलीट हो जाता है, पर ये सब जो है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए ही रहता है ये, तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए कैप्चर भी कर रही हूँ कि बहुत अच्छा लगता है ये सब दिन याद रहेंगे कि ये सब दिन भी हमने ऐसा भी वक्त था हमारे पास, अच्छा बुरा सब वक्त था जो हम गुजारे। और ये जो है मम्मी सूटकेस में फ़ाइनल रख दे रहे हैं ताकि ये जो बैग है डायरेक्ट लेके जाना रहेगा। और जो मेरी बड़ी मम्मी का घर जो है उधर अभी रिनोवेट नहीं होने वाला है, कलर होने वाला है, थोड़ा सा रिनोवेट होने वाला है, मतलब रिनोवेट भी होगा कलर भी होगा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ जा पाई तो, क्योंकि काम होगा तो फिर कैसे जाना होगा ना, हो सके तो मैं इंशाल्लाह। हालांकि मैंने आपको मेरी बड़ी अम्मी का जो घर है मैं थोड़ा बहुत दिखा ही चुकी हूँ आपको, अब मुहर्रम की वीडियो में जब अपलोड करी थी उसमें देखना मैंने दिखा ही चुकी हूँ, तो अब देखना उसके बाद फिर कैसा लगता है, और थोड़ा जो भी होगा कलर वगैरह जो भी है जो भी होगा वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी कैसा हुआ क्या हुआ। ये जो बुरखा है नकाब है जो मेरी होने वाली भाभी के लिए लिए हैं बहुत खूबसूरत अच्छा लग रहा था ये भी बुरखा, तो ये सब उसको घड़ी करके पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। और यही सब दिन गया करने में, ये दिन जो था वो ये सब करने में गया, और सैंडल्स जूती ये सब भी जो है पैकिंग कर रहे हैं इसी तरीके से जो दिन गया है। फिर है दूसरे दिन का वीडियो है ये, और जो बारिश है वो हो गई शायद, क्योंकि अब तो धूप बहुत निकल रही है, माशाल्लाह से धूप बहुत निकल रही है, और अलग ही मतलब एक धूप अलग ही धूप निकल रही गर्म वाली। और ये जो प्लेट में है ना खाना रखी हो मैंने, ताकि जो बाहर जो स्ट्रीट कैट होती है उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोग भी भूखे होते हैं ना, तो उन लोग के लिए मैंने पैकेट मंगाई हूँ, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करी। अगर आपके पास भी आसपास बिल्ली हर जगह होती बिल्ली, तो आप इस तरीके से कुछ उन लोग के लिए भी खाना मंगा लीजिए, ताकि आप एक वक्त तो एक टाइम तो दो, जानवरों में सबसे ज़्यादा बिल्लियों का
वो हुआ है जिक्र, मतलब कि बिल्ली का अगर जानवरों को खाना खिला रहे उसमें बिल्ली है तो बहुत अच्छा है, बिल्लियों को खाना खिलाना बहुत अच्छा है। और आपके जो भी परेशानी मुश्किल आते किसी को भी खाना खिलाने से आपकी मुश्किल आते दूर होती है, और एक तरीके का सदका ही है ये, ऐसा ही सदका निकालो, वो पैसे से ज़रूरी नहीं सदका निकालना, ऐसा भी सदका ही है। और यहाँ पे दूसरा दिन था जिसमें मैं जी मतलब चिराग जो है रोशन कर रही हूँ, तो जो है 25वीं सफ़र था जिसमें आला हज़रत का उरूस था, इमाम अहमद रज़ा फाजले बरेलवी उनका उरूस था, तो उसके लिए मैं चिराग रोशन कर रही हूँ और मैंने नियाज़ फातिहा कराई हूँ, यहाँ पे चिराग जो है रोशन हो गए हैं। उसके बाद मैं खुद ही नियाज करती हूँ और गुलाब जामुन पे मैंने नियाज करी, हालांकि बहुत सी चीज़ें बनती है, पर हुआ ये था कि टाइमिंग जो है 2:38 का था, तो उस टाइम पे नियाज करना होता था, पर स्पेशली मतलब कुछ कर नहीं पाई मैं, नहीं तो अच्छे से करी होती अगर टाइम मिल जाता था तो। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं नियाज फातिहा कर लेती हूँ, और मतलब ये 2-3 दिन का मिला के ब्लॉग है ये, इसी तरीके से मेरे दिन जा रहे हैं, आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी कैसे दिन गए, क्या हुआ, सब कुछ क्या हुआ, कैसे कर रहे हैं हम। तो चलिए अब ये कैसे लगा ब्लॉग ज़रूर से बताना, और कैसे लगी मेरी शॉपिंग ब्लॉग, सब कुछ कैसा लगा ज़रूर से बताना। इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, बाय।